अष्टमी नाइट है आज, और आज हमारे साइड वेस्ट बंगाल में है सप्तमी। हम लोग आज सप्तमी मना रहे हैं, लेकिन आज कैंप में गरबा भी सेलिब्रेशन होगा, अष्टमी नाइट स्पेशल। तो दिन में मैं अभी घूमने जाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट की, इधर कैसे पूजा होता है, करणपुर में कैसे पूजा होता है, जगदलपुर का क्या क्या है, वही एक्सप्लोर करने के लिए मैं जा रही हूँ। और साथ में आने के बाद करने वाली हूँ गरबा सेलिब्रेशन यानी गरबा डांस। तो देखती हूँ गरबा कैसे सेलिब्रेशन होता है। और आज सप्तमी नाइट और वेस्ट बंगाल के बाहर में नवरात्रि में अष्टमी नाइट कैसे सेलिब्रेट होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग देखते रहिए। और ये देखिए मेरा सूट सप्तमी स्पेशल, ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। हाँ मम्मा, क्लीन कर देते, हमारे मदद करने के लिए आए हैं ना अंकल, है ना। करणपुर में हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उधर से सिर्फ 20 से 25 मिनट की जर्नी करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं एक बंगाली पूजा पंडाल में। और इधर आने के बाद इतना अच्छा लगने लगा क्योंकि ये जो ढाक का जो म्यूज़िक है ये सुन के कोई भी बंगाली आसानी से झूम उठेंगे, और वैसा ही सिचुएशन हम लोगों में हुआ। फाइनली मंदिर के अंदर आके प्रसाद वगैरह लिया, प्रणाम किया, ये जो फीलिंग्स है ना कि घर ना जाने का जो दुख है ना, इधर आके मतलब लगता है कि पूरा निकल के बाहर आ रहा है। मैं और आरिश अभी जा रहे हैं, प्रसाद बांट रहा था, प्रसाद लेने के लिए जा रहे थे। और प्रसाद लेने था कोई, और क्या बोलते हैं उसको, कोई के साथ कुछ और भी बांट रहा था, वो दे रखा था। तो प्रसाद खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं जगदलपुर की तरफ। और जगदलपुर के बीच में पड़ता है आड़ावल, और ये आड़ावल में बंगाली कॉलोनी है, और इधर दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और 20 मिनट का जर्नी करने के बाद हम लोग जगदलपुर में पहुंच गए हैं। रास्ते में ही मिल गया एक और बंगाली कम्युनिटी जहां पे बंगाली दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा भी लेट ना करके मैं और मेरे फैमिली में और मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड सीधा चले गए मैत्री संघ। और अंदर जाने के बाद मैं अंदर का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। साइड से बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था और लाइट्स भी लगाया गया था। मैं और आरुष अंदर आ गए थे, बाहर की तरफ मेरे हस्बैंड थे। और अंदर देखिए गरबा प्रोग्राम का जो फील है ना, वैसे ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। और अंदर आते ही एकदम इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, इधर खिचड़ी बांट रहा था। और प्रसाद में खिचड़ी मिलने का जो मतलब खुशी है ना, ये सिर्फ ओनली बंगाली लोग समझ सकते हैं। बाकी इसके बारे में और कोई मतलब उतना समझ नहीं है किसी को, ये फीलिंग्स कैसा होता है प्रसाद में खिचड़ी मिलना। तो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करके सीधा मैं आरुष चले गए थे जहाँ पे खिचड़ी बांट रहे उधर। सीधा अंदर आते ही मैं भगवान जी का दर्शन करके, माँ दुर्गा का दर्शन करके खिचड़ी की तरफ बढ़ रही हूँ। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था और आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। जो सप्तमी अष्टमी का डे होता है बिल्कुल वैसा ही गर्मी है। और इसी टाइम पे गर्मा गर्म खिचड़ी लेने का मज़ा कुछ अलग ही है।
एग्जाम नहीं है मामा नहीं है कोटा लिखा था तुमने नहीं अलग बना तुम्हारे नहीं अलग बना बाबा लिखा था और तुम्हें लिखा था जगदलपुर में जो दंतेश्वरी टेम्पल है उसी के अनुसार इधर माँ दंतेश्वरी का मूर्ति बनाया गया और इधर ही मान्यता है कि वही दंतेश्वरी माता का वास भी इस टेम्पल में है। और ये पूरा मतलब किया जाता है, जो मंदिर जो अथॉरिटी है पूरा बस्तर के जो राजा है किले के अंदर है और ये मंदिर भी किले के अंदर है और पूरा मंदिर की जिम्मेदारी राजा की जो फैमिली है फैमिली लोगों के ऊपर ही है। जगदलपुर में दंतेश्वरी माता का दर्शन करने के बाद मैं आरुष आ गए थे आरुष के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए और आके देखिए आरुष पूरा लेट ही गया। इधर शॉपिंग करने आए हो या सोने आए हो बताओ? सो गए हो इधर? सोने आया हूँ। नाटी नाटी के रुक जाओ। दुर्गा पूजा पैंडल घूमने के बाद शॉपिंग करने के बाद बहुत ज्यादा थक गए, उसके बाद ठंडा पानी और आइसक्रीम खाने के बाद फाइनली घर जाने का टाइम आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।